हेलो दोस्तों। तो यार जब से यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज का जो है ना लिंक करने का ऑप्शन आया है तो काफी ज्यादा लोग बस धड़ाधड़ भाई साहब अपना बाइनेंस का एड्रेस यहाँ पे लगाते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं। जैसे अभी उनको विड्रॉ मिलना भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, क्या अभी हम लोगों को लगाना चाहिए कि या थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए? आने वाले टाइम में कुछ दिनों में हमें यहाँ पे बड़े बड़े बदलाव देखने को अभी भी मिल सकते हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा वेट करना होगा। अभी इसका विड्रॉ जो हमें मिलेगा ना हैमस्टर कॉम्बैट का 26 सितंबर को मिलेगा और आज है 14 सितंबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 12 दिन का टाइम अभी भी पीछे रहता है, तो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे भूल के भी किसी और एक्सचेंज पे अब विड्रॉ नहीं लेना। यहाँ पे OKX एक्सचेंज है, बाईबिट है या फिर वॉलेट है, किसी भी भाई वॉलेट के अंदर नहीं लेना, किसी भी एक्सचेंज के अंदर नहीं जाना, बाइनेंस के ऊपर जाना है बस। लेकिन दिक्कत तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कोई और एक्सचेंज बायबिट या फिर OKX सेलेक्ट कर रखी थी, तो अब यहाँ पे आ चुका है बाइनेंस। तो बाइनेंस को सिंपल सा काम है कनेक्ट करने का, पहले तो ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आ चुका है रीसेट विड्रॉ ऑप्शन। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी पहले वाली जो एक्सचेंज होगी ना वो यहाँ से खत्म हो जाएगी और उसके बाद अपना बाइनेंस का अकाउंट आपके पास है तो लगा सकते हो। पहले तो ये 2 मिनट में समझा देता हूं कि जिनके पास बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो कैसे बनाएंगे। सिंपल सा काम है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई बाइनेंस का ऑफिशियल लिंक दे दिया है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे अपना नाम पूछेगा, वो सारा कुछ वहां पे डाल के और पासवर्ड भी बना लेना, उसके बाद उसको याद भी रखना। अब प्ले स्टोर में आ जाओगे, प्ले स्टोर में बाइनेंस को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद वही पासवर्ड जो आपने वहां पे बनाया था मेरे लिंक से ऑफिशियल, तो वो पासवर्ड और जीमेल अपनी डाल के उसको लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद आपके सामने वेरीफाई का बटन आएगा, तो आप इंडिया से हैं तो भाई अपना आधार कार्ड वहां पे वेरीफाई करवा सकते हैं फ्रंट और बैक की पिक्चर सेंड करके, और आपकी सेल्फी भी मांगी जाएगी। पाकिस्तान से हैं तो वहां पे भी सेम तरीका है, बंगला में है तो सेम तरीका है, लाइसेंस के थ्रू भी कर सकते हो या फिर जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनके थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर से हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर आएंगे तो अब यहाँ पे यस आई हैव के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि अब आपने बाइनेंस का अकाउंट बना लिया। तो चलिए अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि हैमस्टर डिपॉजिट एड्रेस दो और मेमो दो। यहाँ पे मतलब यहाँ से अब पैसे आएंगे सीधा आपके बाइनेंस के अकाउंट पे, जितने भी कॉइन आपने यहाँ पे कमाए थे हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर। तो मैं एक बार में बाइनेंस पे चल के आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि करना कैसे है। अकाउंट जैसे ही आपका बन जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वॉलेट का बटन होगा और यहाँ पे सिंपल सा काम है डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे डिपॉजिट पे आओगे तो सारी करेंसी यहाँ पे आ जाएगी। आप लोगों को यहाँ पे हैमस्टर को सेलेक्ट करना है भाई, मतलब सर्च करना है HAMS। तो यहाँ पे देखिए हैमस्टर का कॉइन यहाँ पे आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक करना है। टोन ब्लॉकचेन को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि भाई कि टोन का जो नेटवर्क है ना वो टेम्परेली यहाँ पे अनअवेलेबल है, क्योंकि यार जब से ही यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन आया है हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर, कल से इतनी ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आ रही है कि पूरी की पूरी इनका सिस्टम क्रैश कर चुका है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे अभी मेमो वगैरह नहीं दिखाया जाएगा, ना ही एड्रेस, जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। वो तो कर लेंगे भाई, प्रोग्रेस में है, टीम बना रही है इसको। तो बताने का मतलब ये है कि यार यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हैमस्टर का एड्रेस एंड मेमो कोड मिलेगा। वो दोनों चीजें कॉपी करके सिंपल सा काम है आपने यहाँ पे डाल देनी है, ऊपर डालना है एड्रेस, नीचे मेमो कोड। तो यहाँ पे सेव एंड चूज के बटन पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे सारा कुछ सेटअप हो जाएगा। 26 सितंबर को आपके बाइनेंस अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, फिर वहां से आप सीधा अपने बैंक अकाउंट में भाई ले सकते हो लोकल करेंसी में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी आप बाइनेंस का अकाउंट तो बना के रखो लेकिन उसको कनेक्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीजें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ दिक्कत हो, कोई आगे चल के कोई पीछे चल के, होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि कम से कम यहाँ पे जो एक्सचेंज को कनेक्ट करने का टाइम दिया गया है ना 21 सितंबर का टाइम दिया गया है, तो इतनी जल्दी हमें क्या पड़ी है भाई। थोड़ा वेट करो, थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दो, मतलब इनकी जो वेबसाइट है उनको सर्वर को स्टेबल होने दो,
उसके बाद लगा देना आप भी जैसे ही एक दो दिन रहते हो या फिर चार पांच दिन पहले। अभी तो एक वीक से भी ज्यादा का टाइम है 21 सितंबर आने में भाई, और 26 सितंबर को हमें विड्रॉ मिलेगा कि अभी वेट कर लो, हो सकता है कोई और ऑप्शन हमें देखने को मिले। जैसे देखो पहले ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं था कि आप लोग अपना यहाँ पे विड्रॉ ऑप्शन जो रिसेट कर सकते हो, ये रात को आया है ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ और ऑप्शन भी आ सकते हैं, देखना ये है कि यहाँ पे हमें गैस फी कितनी लगेगी ठीक है। वो काफी ज्यादा लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि एक दिन रहता है 15 सितंबर से। मैंने कहा था कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे गैस फी की एक मेगा गिव अवे स्टार्ट करूंगा, जिसकी मदद से जितने भी लोग मेरे टेलीग्राम की कम्युनिटी में होंगे तो मैं डेली उनको बाई गैस फी सेंड करता रहूंगा, कभी 5 लोगों को, कभी 3 को, कभी 2 को, डेली। तो सबको तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काफी ज्यादा लोगों को कर पाऊंगा, उसमें आपका भी नाम आ सकता है। तो करना क्या है, कल से मेगा गिव अवे यहाँ पे स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिले और फ्री की गैस फी भी मिल जाए। चलिए दोस्तों, मैं आपको जल्दी में बता चुका हूँ कि आपको अगर लगाना है तो कनेक्ट कर भी सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट करना है तो वेट भी कर सकते हो। बाकी इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करते रहेंगे आने वाले टाइम में, और आपको कोई भी बात पूछनी हो तो मुझे कॉमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।